अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी चिकन का सालन, जो महाराष्ट्र स्टाइल में है। उसके लिए हमें चाहिए आधा चम्मच ऑयल। अब हम उसमें डालेंगे प्याज, ये चार मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हमें भूनना है इसका कलर चेंज होने तक के। देखिए हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए हमने इसे निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें नारियल और बादाम को भुनेंगे। ये हमने एक वाटी नारियल लिया है और साथ से साथ हमने इसमें बादाम लिए हैं। इसे भी अच्छे से भुनेंगे। भूनने के बाद हम इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। फिर हम इसकी एक बारीक सी पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारी पेस्ट तैयार है। अब इसमें हमने जो प्याज भुनी थी वो और अदरक लहसुन डालकर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसकी भी हम एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारी पेस्ट है जो है वो तैयार हो गई है। अब हम एक पतीला लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। उसके लिए हमने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्ची और 1 फूल। इसे थोड़ा सा भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे, ये आधा किलो चिकन है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से जो हमारे चिकन है वो फीका फीका नहीं लगेगा। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच इसमें तीखी वाली लाल मिर्च है, 1 चम्मच इसमें हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसे डालने के बाद हमें भूनना है अच्छे से, इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक की। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी है। इसे भी डालने के बाद हमें अच्छे से भूनना है, इसकी कच्ची स्मेल जो है वो निकलने तक की। ये बहुत टेस्टी सालन होता है गाइस, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। देखिए अभी हमारा जो मसाला है वो भुना नहीं है, हम इसे फिर से थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे भूनेंगे। देखिए ढक के फिर से हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और जो हमने पीस के रखा था ना मसाला, प्याज, अदरक लहसुन, नारियल और बादाम का, उसे भी इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद भी फिर से हम अच्छे से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे भी भूनना है ताकि इसकी भी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। जितना आप इसे भूनोगे उतना ही आपका जो सालन है वो टेस्टी बनेगा। देखिए गाइस मेरा जो ऑयल है वो बाहर भी उड़ रहा है, सॉरी, ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सालन बहुत टेस्टी है, एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ढक कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब हमारा मसाला जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए, पतली गाढ़ी, ठीक है। पानी डालने के बाद भी हम इसे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए दम पर, ताकि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है हमने। अब दम पर हमें इसे पकाना है। देखिए हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। हमारा देसी चिकन का टेस्टी सालन तैयार है। एक बार गाइस इसे ज़रूर ट्राई करना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना।
अल्लाह हाफिज़।